Oh. What the fuck? What the fuck? नहीं 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 अबे नहीं पागल है क्या? ये क्या ड्रामा है? अबे यार ये क्या? नहीं 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 Shit, I'm gonna die, I'm gonna be dead. नहीं रुक जा मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ. हेलो गाइस, वेलकम टू द शेड्स ऑफ गेम. इट्स योर बॉय सॉगी हियर. तो आज हमारे पास है द क्लास रूम्स और उसका अर्ली एक्सेस हमारे पास आया हुआ है. अब ये मत पूछना कहाँ से आया हुआ है. समझ रहे हो ना बताना मत किसी को, ठीक है ना? गंदी बात. तो ठीक है, द क्लास रूम्स हम खेलेंगे. इससे पहले मैंने बैक रूम्स की वीडियो डाली है जिसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स इस पे भी कर. ठीक है, एक हमें पिक करनी होगी टेप को, एंड दिस टेप इज अबाउट इंट्रो, एक्सपीरियंस द स्टोरी, इंट्रो एंड लर्न द बेसिक्स. ठीक है, अभी हमें इंसर्ट टेप, ओके. अभी हमें बेसिक्स को सीखना होगा और स्टोरी को समझना होगा. तो स्टोरी को समझने के लिए और बेसिक्स को सीखने के लिए हमारे पास टेप नंबर okay, recording. ओके ओके, इट्स रिकॉर्डिंग. मूव माउस, कैमकॉर्डर लुक, राइट माउस बटन, जूम कैमरा. ठीक है, तो कोई बंदा है. इट्स लाइक लेफ्ट माउस बटन टू पिक अप द फ्लैश लाइट, यहाँ पर है, और लेफ्ट माउस बटन टू पिक अप द बैटरी पैक. बैटरी पैक ये रही. ठीक है, मिल गया. फाउंड थ्री बैटरीज और हमारे यहाँ आई थिंक ठीक है, राइट साइड में राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ हमें मिल रहा है कि अच्छा यहाँ पर 11:00 टेक वैन की चाबी निकाल लेते और बाहर आ जाते हैं. ठीक है, वॉक टू बैक ऑफ वैन, काफ़ी अच्छा. ओके, आई कैन नॉट गो देयर. हाँ ऑब्वियसली मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो मैं अपने आप टेलीपोर्ट होकर. ओह ओके ठीक है, यहाँ पर क्या है कि I found you, meme. Left mouse button to take newspaper. Open inventory and read codex. Inventory usually eyes से ही open होती है. ये battery है, ये चाबी है हमारे पास. And what is this? Double click to use. Mystery deepens on missing children. School closed early for some. Students gone missing during school hours. बच्चे खो रहे थे. और बच्चे खो गए. The glass. Hope nobody hears this. Okay, तो ये क्या है? कोई school है. Okay, right. ऑब्वियसली स्कूल ही होगा ना, तभी तो क्लासरूम के ऊपर गेम है. तो मुझे यहाँ पर ईंट उठानी है एंड राइट माउस बटन टू थ्रो. ओके, तो मैं इसे स्कूल के अंदर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि बच्चे यहाँ पर गायब हो रहे थे, तो इसलिए अब स्कूल के अंदर जाना होगा. और ओके ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लॉक्ड है. और ब्रेकर्स रूम तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी रूम में ही होना चाहिए कहीं ना कहीं. सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं. सबसे कमाल की बात चीज़ें इसमें ये होती हैं कि ये रहा सामने ही है. ओके ओके, कोई 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 मुझे पीछे धप्पा नहीं करेगा. बस 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 बस, लोडिंग स्क्रीन भी ऐसी है जैसे कि अटक गया हो गेम. थोड़े यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं. क्या यहाँ पर कुछ है? रुक जा, सॉरी मैंने तो लाइट ही बंद कर दी थी एकदम से, पता नहीं क्यों. यहाँ पर कुछ है? सारी चीजों को एक्सप्लोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ओह ओके, वी कैन थ्रो देम. मस्त गिरता एकदम, टूटा भी नहीं, काफी मजबूत है. ठीक है, मुझे लगता है यहाँ का हमारा काम हो गया है. सारी लाइटें वापस आ चुकी हैं और हमारी बैटरी देखो, यानी कि हम जितना ज्यादा यार ऐसी जगह से तो हम अंदर नहीं आए थे ना. ओह माई गॉड, सामने सोफे पर एक डॉल सा कुछ पड़ा हुआ है. ओग वाई, कहां चली गई वो? अरे डॉल थी या कोई बच्चा सो रहा था, पता नहीं. सामने एग्जिट लिखा है, क्या लिखा है? ये क्या है? फाउंड कोडेक्स एंट्री. कोडेक्स एंट्री के लिए ऑब्वियसली हमें यहां जाना होगा और इस रेड वाली बुक को ओपन करना होगा. आई फाइनली हैव द विल टू राइट समथिंग अगेन. आई हैव नो क्लू व्हाट टाइम इट इज. आई थिंक इट्स द 9th, बट इवन ट्राइंग टू कीप ट्रैक आई कैन टेल व्हाट टाइम इट एवर इज. ऑल द क्लॉक्स आर डिफरेंट एंड नन ऑफ द लाइट इज रियल. आई हैवंट स्लेप्ट इन डेज, बट आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल. आई स्टिल हैवंट फाउंड एनी फूड, बट आई हैवंट बीन हंग्री सिंस दे सेंट अस थ्रू. Same with drinking, something is here. Keep changing. This isn't the same as the real world. This place is never made for us to see. तो शायद उनमें से मिसिंग बच्चों में से ही किसी का नोट है जो यहाँ पर छूट गया है. यहाँ पर क्या लिखा है? 30 years from now, it won't matter. What shoes wore, और क्या है ये? How your hair, jeans bought, will you learn how?
ओके, आई थिंक ऐसा तो पजल नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्यूशर है, यहाँ पर एक दीवार है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा दरवाज़ा लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पर भी एक दीवार है। यहाँ पर दीवारें क्यों हैं? तो यहाँ पर दरवाजे क्यों हैं? कितनी चीज़ें चेंज होंगी पता नहीं। तो जितना हो सके हमें यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। वो यहाँ पर जो डॉल थी वो गायब हो चुकी है। आई थिंक आई नीड टू गो हेयर। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, जैसे कि हमारा बैक रूम्स में था। बैक रूम्स मैंने ऑनेस्टली अभी तक बताऊँ तो मैंने नहीं खेली है। इतना जानो कि काफ़ी अच्छी गेम है, राइट? और ये जूम करने के लिए, और यहाँ पर कुछ बना हुआ है। वेट वेट वेट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5, 24, 5 5 25, 5 5 25। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं वैसे भी हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे 5 5 25 समझ में आता है। हट जा यार, सामने से हटो भाई, सामने से सामान हटाओ। यहाँ पर ड्रॉअर में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है एज फार एज आई नो। ग्लो स्टिक मिली है मुझे, और एक और कोडेक्स मिला है, मतलब एक एंट्री, एक मिली बैटरी। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? सारी चीज़ों को उठा उठा के मारूंगा मैं। टीचर आएगी तो मैं बता दूंगा कि मैं यहाँ पे फंस गया था और इसलिए मैं ये सब हरकतें करता। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्री को पढ़ लेते हैं। हमारे पास कुछ नई एंट्री आई है। नवंबर 3rd 1978। दे वोक अस अप अर्ली टुडे। इट वॉजंट इवन 5 AM व्हेन द अलार्म्स रैंग, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। व्हेन आई ओपन माई आईज, इट वॉजंट आर यूजुअल केयर टेकर शेकिंग अस अवेक एंड रिपिंग आर कवर्स ऑफ, बट अ रो ऑफ आर्म्ड गार्ड्स आर्म्ड विद मशीन गन स्टैंडिंग क्वाइटली नियर द डोर। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज अ ब्लर। वी रश्ड थ्रू ऑन आर क्लोथ्स एंड वर गाइडेड टूवर्ड्स द जिमनेशियम, बट आई ऑलरेडी नो वट हॉरर्स दे हैड इन स्टोर फॉर अस। तो यहाँ पर ये बताया है कि काफी जल्दी इन्हें उठा दिया था और इनका रेगुलर केयर टेकर नहीं था, वो कुछ आर्म्ड गार्ड्स थे, मतलब जैसे फौजी वगैरह होते हैं, और उनके हाथ में मशीन गन थी और वो चुपचाप डोर की तरफ खड़े हुए थे। और बाकी दिन तो इनका काफी ब्लर गया। उसके बाद इन्हें जिमनेशियम में भेज दिया, उसके बाद इन स्टोर फॉर अस। फिर कुछ स्टोर से रिलेटेड चीजें हैं, जिम से रिलेटेड बातें कही गई हैं यहाँ पे। एक बार मैं बैटरी डाल लेता हूँ, बैटरी मेरे पास खत्म होने वाली है यार। इससे पहले मुझे सारी चीजों को एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा, इससे पहले कि बैटरी ना खत्म हो जाए। अगर बैटरी, ये देखो यहाँ पर कोई बैटरी है नहीं, अगर जो रोशनी है तो फिर मैं बैटरी को यूज़ क्यों करूँगा? कोई ताला खुला है तो कोई ताला नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। लेट्स एक्सप्लोर दिस रूम एज वेल। कोई भी रूम हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है किस रूम में पता नहीं कौन सी जानकारी छुपी हुई हो। ओके, गॉट एनीथिंग? नो, नॉट राइट नाउ। इन्हें बंद करो, इन्हें ओपन करो। गॉट वन मोर बैटरी। ये बैटरी वाली गेम्स में ना देखो एक अलग ही टेंशन रहती है कि अगर हमारी बैटरी खत्म होगी तो क्या होगा। पहले नीचे वाला खेल खोलता हूँ, ऊपर वाले में अभी तक कुछ मिला नहीं है। वैसे भी कुछ मिला नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। एंड एक बार रूम में देख लेते हैं, नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेट आउट ऑफ माई हेड। मैं तुम्हारे सर भी नहीं छुड़ा हूँ बच्चे, तो तुम जो भी हो यू शुड गेट आउट ऑफ माई हेड। यहाँ पर क्या है? फायर अलार्म है। और कोई डोर है यहाँ पे जिसे मैं ओपन कर सकता हूँ? सब में ताला लगा हुआ है, कोई सा ओपन तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी कोई सा ओपन नहीं दिख रहा है। ओए, ये कौन कर रहा है? कोई टेबल के गिरने की आवाज क्यों आई है? ये टेबल यहाँ पे गिर रहा था, इसकी आवाज आई थी, जबकि मैं तो अभी जस्ट अंदर आया हूं ना। लो ए, ए तेरी भैंस की। अयो कौन सा है, कौन सा भूत है? ए तेरी, अच्छा ये भारी है लगता है, इसको मार दो। ये ले, अब आओ, कौन परेशान कर रहा मुझे? आओ, कुछ है नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं ड्रॉअर पे देख रहा हूँ और मेरे सामने ही कोई खड़ा होगा आके। चलो एक और बैटरी मिलेगी, फाउंड वन न्यू बैटरी। एंड ठीक है, ये वाला रूम हमने एक्सप्लोर कर लिया है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लोर कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पज़ल को सॉल्व कर पाओगे और ऐसी जगह से निकल पाओगे जैसे कि, अरे यार बैटरी बैटरी बैटरी, सेव द बैटरी, सेव द बैटरी। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे अपनी टॉर्च को बंद कर देना है रोशनी में आते ही। क्या मैं इस रूम में जा चुका हूँ?
अभी तक मुझे नहीं पता। लेट्स सी, यहाँ पर कोई गेट खुला है, ये रहा। इनको मैं बंद नहीं करूँगा, ये खाली हॉलवे है बस और कुछ नहीं। ओके, इनको मैं बंद नहीं करूँगा ताकि मुझे याद रहे कि मैं ऐसी जगह पर आके जा चुका हूँ या नहीं। सामने वाले हॉलवे से मैं होकर आ चुका हूँ एंड अभी एक ये डोर बचा हुआ है, एक ये हॉलवे है, ठीक है लेट्स गो। यहाँ पर ये घड़ी काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रही है। यहाँ पर बजने वाले हैं एक, यानी ऑलमोस्ट 12:50 के समथिंग हो रहे हैं। अगर यहाँ किसी की मीटिंग चल रही थी तो भाई बाद में कुर्सी लगा लेना अपनी अपनी, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रखा है। ओके हाय डॉल भाई, सो क्या डॉल है यार ये? अम्मे व्हाट द हेल, कहाँ गई वो? कहीं नीचे तो नहीं है? शिट यार, ओ कैसे कैसे फेस बने हुए यहाँ पे भाई। रीडिंग टेक्स यू प्लेसेस, शिट यार, ओके दिस इज क्रीपी नाउ, दिस इज क्रीपी नाउ, ओके दिस इज क्रीपी नाउ। अगर आपने हेडफोन्स अभी तक नहीं लगाए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार ईयरफोन से हेडफोन्स जरूर लगा ले, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली नहीं सुनाई देंगी। जब हेडफोन या ईयरफोन आप यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होकर सुन पाएगा और तभी आपको समझ आएगा कि मेरा रिएक्शन। एक और फॉन्ट कोडेक्स एंट्री, लेट्स रीड, ठीक है। दिस इज आर्क फुटेज ऑफ A004, व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, आइटम नंबर 004, क्लियरेंस लेवल है 3, ये है एनोमली 00004, फिनोमिना टाइप मलिशियस एंटिटी, डिस्क्रिप्शन एनोमली 004 या 004 इज ए मलिशियस एंटिटी दैट कैन बी फाउंड इन द अल्फा एंड ए लैम्डा सुपरस्ट्रक्चर, 004 इज अ सेंटेंट सेरेमिक डॉल दैट कैन ओनली मूव अंडर सर्टेन कंडीशन, दिस कंडीशन आर नो सेंटेंट बीइंग इज ऑब्जर्विंग 004। अगर आप इसे ऑब्जर्व नहीं करोगे तो ये मूव करने लगेगी। व्हेन ईदर ऑफ द अबव कंडीशंस आर अचीव्ड, और दूसरी कंडीशन को इन्होंने हाइड कर रखा है पता नहीं क्यों, द एंटिटी विल एग्रेसिवली परस्यू एंड एलिमिनेट एनी एडल्ट ह्यूमन द एंटिटी फाइंड्स, द एंटिटी विल फोकस ऑन डिसेबलिंग द टारगेट्स सेंस ऑफ साइट बाई दिस, बाई वॉट आई डोंट नो। एनोमली की प्रॉपर्टी क्या है एज वेल एज द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज, आइटम 004 हैज द एबिलिटी टू सेट दिस एंटिटी ऑल्सो वेरी फिजिकली कैपेबल बींग एबल टू ओवर पावर एडल्ट मेल एंड डेटा एक्सपंज्ड, रिट्रीवल एंड कंटेनमेंट, एनी साइटिंग ऑफ आइटम 004 मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, इफ द एंटिटी इज एनकाउंटर्ड इवैक्यूएशन ऑफ द एरियाज रिक्वायर्ड, इन द इवेंट ऑफ द रिट्रीवल एंड कंटेनमेंट असाइनमेंट नो लेस देन 3 ऑपरेटिव्स आर रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ विच रिक्वायर हाई पावर्ड फ्लैश लाइट एंड हेडलैम्प्स, 2 ऑपरेटिव मस्ट मेंटेन कॉन्स्टेंट विजुअल कॉन्टैक्ट विद द एंटिटी वाइल द रिमेनिंग ऑपरेटिव फोकस ऑन कंटेनमेंट। तो ये जो एंटिटी है 004, ये क्यों है बच्चे? इसका नाम है आइटम नंबर 004 और क्लियरेंस लेवल इसका 3। अब मुझे तो ये दिखाई दे गई है और इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो एंटिटी है ये अगर आप इसे नहीं देखोगे तो ये वॉक करती हुई नजर आएगी और आपको ओवरपावर करके आपको मार सकती है। सेफ्टी फर्स्ट, वॉक डू नॉट रन, ठीक है। इसमें एक चीज है, वार्निंग ड्यू डेट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि वॉक डू नॉट रन, तो मैं इसकी बात सुन के एक काम करूँगा, अभी तो नहीं भागूंगा जब तक मेरी हालत ना ख़राब हो जाए। यहाँ से तो मैं आ चुका हूँ, आई थिंक आई शुड गो टू दैट प्लेस, दैट न्यू एरिया आई थिंक, यस। अभी पता नहीं ये अभी ओपन हुआ है या पहले से था, उसने भागने के लिए मना किया, राइट? ओके दिस इज जस्ट अ चैम्बर, पता नहीं अगर मैं भागूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर लग जाएगी सारा एक्सप्लोर करने में, राइट? बट अगर कोई चीज़ इतनी सी, आवाज़ आ रही थी अभी, किसी की आवाज़ आ रही थी, वेट, ठीक है एक बार मैं ट्राई करता हूँ ना भागने का एंड देन आई विल गो एंड चेक। काफ़ी बड़ी कंप्यूटर रूम है भाई, या फिर शायद लाइब्रेरी है कहते हैं इसको, मैं ये तो ठीक है।
यहाँ पर देख लेते हैं, कोई चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए बस। सबसे बड़ा धर्म है हमारा बींग हॉरर गेमर। कोडेक्स एंट्री मिली है और ये क्या है? ओके आई वॉन्ट। मम्मा भाई कुछ आवाज आ रही है। ओ माय गॉड, 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 शिट। एक मिनट में वो एंट्री पढ़ लेता हूं। कुछ आवाज आ रही थी अभी। आई वॉज राइट वन आई सेड इट इज इंट सेफ हियर, दैट मच वॉज एक्सप्लेन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग एल्स इज फार मोर वेग। देर आर डॉक्यूमेंट्स दैट गिव वेरी वेग इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्हाट टू डू बट ऑफ्टन व्हाट नॉट टू डू, लाइक टू अवॉइड डार्क रूम्स विद वेंट्स इन देम एंड टू हाइड इन लॉकर्स इफ वी हियर एनीथिंग स्ट्रेंज। देर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हाट सीम्स टू बी स्पेसिफिक। तो ये बता रहा है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे ये हमें देखना है कि ऐसे डार्क रूम्स को अवॉइड करना है जहां पर वेंट्स हो। दूसरा, हमें लॉकर में हाइड हो जाना है अगर हम कुछ अलग सा सुने, स्ट्रेंज सा सुने। देर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑफ व्हाट सीम्स टू बी स्पेसिफिक थिंग्स टू अवॉइड बट मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शंस आर कवर्ड इन ब्लैक इंक एंड इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइफर व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी। जैसे कि हमारे पास यहाँ आइटम नंबर 004 में था, यहाँ पर भी काफी सारे ब्लैक इंक से चीजें छुपा रखी जो कि नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट आई नो व्हाई दे गिव मी अ कंपास नाउ, इट डजंट एक्चुअली पॉइंट नॉर्थ, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स वेयर द entrance back into the school is, at least it should. It was also mentioned in the paper that there are multiple checkpoints if they placed around the space that was in use before the incident. तो यहाँ पर आई थिंक कुछ एक्सपेरिमेंट सा चल रहा था जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। और यहाँ पर ग्लो स्टिक भी है और ये भी बताया हुआ है कि कोई कॉम्पस सा मिलना चाहिए हमें जिससे हमें ये पता चलेगा कि यार हमें जाना कहाँ पर है। ओके यहाँ से यहाँ तक तो आई थिंक मैं आ चुका हूँ, अब वहां से भी होकर आ गया हूँ मैं गेट खुले में। और भाई बच्चे की आवाज आ रही है सच में। ओ माय गॉड, 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 ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। भाई क्या सीन है ये? वहां पर एग्जिट है, वहां पर एग्जिट है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। यस इट डज। Oh my God! क्या अंदर आएगी? मैं ऐसे मजे क्यों ले रहा हूँ पता नहीं। Oh my God! That was epic! That was epic! मैं डर गया, मैं डर गया। I accept कि मैं डर गया। अबे ये क्या चक्कर है? भाई कितने फ्लोर हैं यार? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यार ये थोड़ा थोड़ा मुझे वैसा लग रहा है जैसे चिल्लाट की नॉट सिक्योरिटी थी। रीडिंग टेक्स यू प्लेसेस, आई नो, आई बीन रीडिंग सो मच। इधर भी एक बड़ा सा गलियारा है, इधर भी एक बड़ा सा गलियारा है। सामने एग्जिट लिखा हुआ है इतना तो मुझे दिख रहा है। हाँ लग ही रहा था दीवार होगी। ओके यहां भी दीवार है भाई। ये फिर आ गई, वो लिफ्ट लेके आ रही है क्या? That freaking doll is here. Oh my God, she's coming. पता नहीं, मैं बस चलते जा रहा हूं, मैं बस चल। Why the fuck are you here? इसको यहां से निकलना पड़ेगा पहले। रुक 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 रुक। अच्छा अगर मैं इसको ओके आई कैन लॉक। ओ आई कैन लॉक हर, आई कैन लॉक हर, आई कैन लॉक हर। ठीक है वो वहां पर है, वो वहां पर है। अगर मैं इसे लॉक नहीं, आई कैन नॉट लॉक हर एक्चुअली। मुझे लगता है कि मैं उसे लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लॉक कर सकता होता तो लिफ्ट से यहां नहीं आती ना यार। लॉजिक चुप जा बदतमीज। हाँ कहां थे हम? ये चीज पढ़ ली थी। आई वॉज राइट इज इन सेफ आर्क। वट इज दिस 1976-37 एनोमलस रिट्रीवल एंड कंटेनमेंट रिसर्चर जेरमी हैरिस आर्क साइड 35 नंबर पेज 1। यू आर ऑफ योर रॉकर जिमी एंटिटीज कैंट। यू नीड टू स्टॉप बींग पैरानॉइड अबाउट द पोटेंशियल रिस्क बट मोर इंपॉर्टेंटली यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग योर आवर टाइम। वी हैव हैड हाउ मेनी रिक्वेस्ट टू अप सिक्योरिटी फंडिंग टू योर फैसिलिटी। इट सीम्स एवरी टाइम वी एक्सेप्ट यू कम बैक एंड इवन अ मोर आउटरेजियस प्राइस।
If I didn't know any better, it would seem like you are laundering our precious resources. And if you did know any better, would you keep your mouth shut about these constant unwavering requests? Because we both know what the price is for treachery. ये लेटर है, मतलब एक सीनियर रिसर्चर ने किसी दूसरे रिसर्चर को आई थिंक भेजा हुआ है, नहीं सब्जेक्ट तो टू है ना, तो जेरेमी को भेजा हुआ है और उसने बताया हुआ है कि यार कुछ तो गड़बड़ तुम कर रहे हो और जब भी तुम वापस आते हो तो तुम्हारा प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है और ये बड़ी अजीब सी चीजें इसमें लिखी हुई है जो कि ज्यादा से। यार ये फिर चेंज हो गया क्या? मैं ऐसी जगह तो नहीं खड़ा था। और इसका क्या मतलब है? ये एक गोला, उसके ऊपर टुंटू, उसके ऊपर प्लस साइन है। आएगी ना, मैं यही उठा के मारूंगा उसके मुंह पे। ठीक है, got one more battery, nothing here। उसकी आवाज आ रही है, अगर आप codex entity, एक और codex entity मिली है हमें, entry sorry, एक और codex entry मिली है, बस यहां नहीं आनी चाहिए। what the fuck, नहीं, अबे नहीं, पागल है क्या, ये क्या ड्रामा है? अबे यार ये क्या, नहीं, shit, I'm gonna be dead, नहीं, रुक जा, मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ, मरने से पहले पढ़ना जरूरी है। Hazardous phenomena, okay, item number 608, description, entity 608 is a non-corporeal entity that manifests in location devoid of light within any location of the superstructure currently discovered. When viewed after manifesting, entity 608 will appear to have glowing white eyes and a large mouth full of teeth. Anomalous properties, solid objects, अरे भाई वो कैसे भी नहीं रुकेगा, उसमें साफ बता रहा है कि वो कैसे भी नहीं रुकेगा। It can still interact with physical objects and conflict wound into entities will appear in any areas devoid of light. 608 will vanish if trapped in an area subsequently lit up, but over time will disable said lights or re-manifest. Retrieval and containment, if a sighting of entity 608 occurs, avoid any contact with the entity. If spotted by the entity, make sure to stay around lit areas and to avoid any areas dim or devoid of light, as entity 608 has been known to pursue prey relentlessly until there is no dwelling area devoid of light within this much of kilometers. भाई देखो यहां से पढ़ के ना इतना समझ में आ रहा है कि मुझे एक लेवल 4 का एक भूत, कह सकते हो लेवल 4 का भूत मिला है, मतलब उस बच्चे से भी ज्यादा खतरनाक है जो, और इसका फिनोमिनल का टाइप है हैजर्डस। ये बहुत खतरनाक होता है यार, मैं इन्वेंटरी से बाहर जाने से डर रहा हूं क्योंकि मेरी आंखों के सामने खड़ा है और जैसे मैं यहां से बाहर जाऊंगा, पागल है क्या, मेरे टेटी को दबा दिया उसने। Okay, that was not a good way to handle a, क्या बोलते उसको, मेहमान, ठीक है, गेस्ट को हैंडल करने का ये तरीका नहीं है, बदतमीज आदमी। चलो बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम अभी भी इस चीज़ को कर सकते हैं ख़त्म, ठीक है, हमें कम से कम सारी चीज़ें याद तो हो गई हैं, राइट। यहाँ पर एक चाबी मिलेगी, ये रही, अब हमें वंडर करता रहे, चल। This is washroom, और ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और जिस तरह से स्क्रीन चेंज हो रही है मुझे लग रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो मैं, अब मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि ओके, आई कैन सेंस समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। इसमें एक बजने वाले हैं और इसमें टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, विच टेबल, दिस वन, टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, कौन से टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, एक स्टार है एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स अंडर योर स्किन, टीयर इट आउट, वो तुम्हारी स्किन के अंदर है, उसे निकाल दो। आई कैन हियर यू, नहीं यार मुझे जाना तो उधर ही से था बट मैं उधर जाऊंगा नहीं, अब मैं इधर से जाऊंगा, कोई आ रही है मेरे पीछे, वो आ रही है दौड़ती हुई, वो देखो आ गई, मेरा बच्चा, पापा करता चला आता है, प्यारा बच्चा है, क्यूट नहीं, हरामी बच्चा है। आ गई, टॉफी लेने गई थी ना, टॉफी क्या दिया मम्मी ने, टॉफी दी,
बच्चे को, और बच्चे कान के नीचे मारूंगा मैं। दरवाजा बंद करूँ, जा वहीं रह, हिलना नहीं, हिलना नहीं। चपड़ी थपड़ी आ देंगे अभी, सनसना जाओगे समझी। अरे यार यहीं से तो मैं बाहर आया था मेरे भाई। ये ना हंसती नहीं है, मेरे पे हंसती है सच बताऊं तो। वो देखो वो खड़ी है, आ जा यार तू, एक काम कर तू इधर आ जा, तेरे से बड़ा काम है मेरे को भाई। कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला, कुछ आने वाला, कुछ आने वाला। ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है क्या? यहाँ पर कुछ है? और ही सामने ही घूम रही है वो, खड़ी है। हाँ इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ अब इधर आ जा, बस रास्ता दे दे मेरे को ना, ठीक है? अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, मारूंगा अभी कान के नीचे। लॉक, ठीक है। यहां पर मुझे एक और कोडेक्स मिला है, जो कि यार ये सब इजी नहीं पढ़ रहा है, पता है? बिल्कुल भी इजी नहीं पढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना मुश्किल नहीं होगा, मगर ओके ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ओके दिस प्लेस दे टोल्ड मी इट वुड बी लाइक व्हाट वी सॉ इन आवर ड्रीम्स, बट इट वाजंट, एवरीथिंग हियर सीम्स एम्प्टी। दिस प्लेस लाइक दे टोल्ड मी इट वुड बी लाइक व्हाट वी सॉ इन आवर जो भी है शायद ड्रीम्स होगा, बट इट इजंट, एवरीथिंग हियर सीम्स एम्प्टी, ओल्ड अबंडेंड। आई थॉट देयर वुड बी पीपल हियर, दिस प्लेस फील्स लाइक the past, like a place time forgot. I keep hearing voices from the rooms of the path. They sounded deceptively friendly, but at this point I can't go back. I have no choice if I ever want to get out of here. कोई और भी बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ था, उसने इस तरह की चीजें लिख लिख के यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये बच्ची, चलो ठीक है यार ये बच्ची, she is not that bad, you know. जो चीजें, जो entities और भी हैं इसमें, इस गेम में जो बाकी की एंटिटीज है ना, दे आर, वो फिर से आ रही है, स्टार है, एंड देर इज समथिंग प्लेस्ड ऑन द टेबल, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, मे बी दिस टेबल। आई कैन हियर समथिंग, वेट लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब मुझे जहां तक लगता है ना, यहां पे है क्या टेबल के ऊपर कुछ रखा है? नहीं यहां पे नहीं है। बच्चा, प्यारा बच्चा, इधर नहीं आओ बेटा, इधर नहीं आओ, अच्छे बच्चे हो ना आप, ऐसे नहीं करते ना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते ना, गुड बच्चे। मारूंगा ना इतना खींच के, फाउंड द ग्लो स्टिक, गॉट सम मोर ग्लो स्टिक्स। भाई ग्लो स्टिक का काम क्या है ये अभी तक नहीं पता चला हमें। इन्वेंट्री में हमें एक और कोडेक्स मिला, उसको पढ़ लेते हैं। ओ ये क्या है भाई, अब क्या है ये, क्या है यार, 8th नंबर, आर यू किडिंग मी? When I asked for level 3 clearance of this document, could I have just said no? This is useless to us. Malicious entity है. ये साई है या फाई? I think फाई है जहां तक मुझे याद है. 686 are malicious entity that appears docile, however human contact, shift in mood appearance, it will change shape. The entity will become hostile to the human, attempt to deceptive potential prey, physical appearance, resist to high bullet calibers, physical contact with this is prohibited. मतलब मुझे मारना है क्या भाई? तो सीधा ही बता दो यार, ऐसी मलिशियस एंटिटी दे रहे हो और साथ में ये भी बता रहे हो कि भाई इससे भिड़ना, गेट आउट ऑफ माय हेड। एक तो ये बच्ची की हंसी इतनी प्यारी है, वैसे ऐसे बच्चे जब हंसते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, मगर ये मुझसे भी ज्यादा डरावनी है। तो अच्छा मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है, जो माइक दिया हुआ है, जो माइक दिया हुआ है, माइक की जो आवाजें आ रही हैं, इसका काम क्या है? हाँ हाँ ये चुप हो जा, क्या मैं यहाँ आया था? नहीं अभी तक यहाँ नहीं आया था मैं, तो दिस इज माई फर्स्ट एंट्री। ओके आई एम गोना ओपन एवरीथिंग, आई ट्राई टू ओपन एवरी डोर, एवरी गॉडडैम डू। नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ पानी भी निकल सकता है, नाइस, बस इसी बात की कमी थी पता है? मुझे बहुत बार लगता था कुछ वॉशरूम छोटे दिए हुए, कुछ काफ़ी बड़े दिए हुए, क्या पता कोई लेट के हंगना चाह रहा हो, शायद उनके लिए हो। हाँ एक को नहाना, ओ माई गॉड, फाउंड अ फकिंग डोर,
ओके, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ओके धीरे धीरे बोलूँगा मैं, ठीक है? तो प्लीज़ यार है ना, ऐसे वॉल्यूम बढ़ाने का मत सोचना, क्योंकि मैं कभी भी चिल्ला सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे धीरे बोलने से कुछ तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जो माइक है उसकी वजह से ये चीज़ें मुझे चीज़ हेयर द डॉल इज हेयर। I wonder if that key fits this. Oh my god, I reached. I fucking reached. Okay. Okay. That's great. That's great. That's great. Okay, now third level is this water level. Pani wala level hai. Aur yahan par sara sewer ka pani bahar aa chuka hai. What the fuck? मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए जाना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, और सबसे आखिरी बात भी यही है। छोटे वॉशरूम, बड़े वॉशरूम, छोटे वॉशरूम, बड़े वॉशरूम, सारी चीज़ें देखूँगा मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। पानी की आवाज़ काफ़ी सही है भाई। ओह, समथिंग हैपन्ड, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। एक रास्ता वहाँ जा रहा है एंड एक रास्ता ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है? कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। वी कैन हियर देयर इज सम वॉइस कमिंग राइट। आई डोंट नो यार, क्या मुझे कोई बताएगा कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, लिटरली भाई मेरे को कमेंट करके बताओ कि सीन क्या है। वो तो अच्छा है, मेरे को ये रास्ता मिल गया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। और वो रेड वाला जो है वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। रिप्लेसिंग बैटरी, ओके। जेबरी गेट ओपन, यस इट इज़। ठीक है, यहाँ से बाहर चलते हैं, सारे दरवाजे खोल दिए। मैं थोड़ा ना स्लो चल के देखता हूँ यार, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, ये तो और खतरनाक होता जा रहा है भाई। ये ऐसे थोड़े करते हैं। अब वही लाल वाला और रेड वाला ही बचा है यार। ओके, मैं धीरे बोलूंगा, धीरे बोलूंगा। गॉट वन मोर बैटरी एंड ओके, आई एम गोना फिसल के गिरने का यहाँ पे। एक सेकेंड, ओके ठीक है, यहाँ की लाइट्स बंद थी बस। ओ, ये तो बंद हो गई है, ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो। ओ माय गॉड, 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 आई हियर हिम कमिंग। ये मैंने पानी चालू क्यों कर दिया यार? आई डोंट नो। अच्छा, मैं जंप भी कर सकता था इतनी देर से, मुझे पता नहीं था कि पानी ज़्यादा भरना था या नहीं भरना था, पता नहीं मुझे ये पानी कितना भरना था, ये भी नहीं पता मुझे। क्या ये ऑटोमेटिकली बंद होगा? हो गया। वट इज़ गोइंग ऑन, वट इज़ गोइंग ऑन, वट द हेल इज़ गोइंग ऑन। यार पहले ही चलना मुश्किल था इसमें, तो क्या ये करना था? वॉज दैट नेसेसरी? हाँ, मैं तो फिर भी काफ़ी तेज भाग पा रहा हूँ, दिस इज़ गुड। इस दीवार के पीछे है वो। ओके, इट कैन हियर मी, कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, ओके इट्स कमिंग, ओके ओके। हमें बस अपना काम करना है चुपचाप, ठीक है? वो वहाँ घूमता रहेगा एंड विल डू आवर वर्क, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
और वो है एक्सप्लोर करना। अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ही कैन हियर अस। सारे दरवाजे खोल के देखते रहते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही किसी हिडन डोर में हमें दरवाज़ा मिल गया था। ठीक है, अभी उसके पास वहाँ से आ रही, राइट? अभी तक तो आ रही थी। क्या वो दिखाई दे रहा है? अभी तो काफी लाइट है तो। ओके, इट्स कमिंग। पूरा सामने। ओ, उसने देख लिया, 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 देख। ओके, गो 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 गो। I don't know. क्या हम सेव? No! Shit, man! मुझे लगा चुप रहने से शायद हूँ मैं। मुझे लगा चुप रहने से शायद मैं नहीं दिखाई दूंगा उसे, मगर he's got some a pair of good eyes, man. ठीक है, तो हमने अभी तक में जितना सारा एक्सप्लोर किया था वो तो हमें पता चली गया है कि हमें करना क्या है, राइट? मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है करने के लिए। हे, सुन, ओ बैठ, चल, किधर गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं जाऊं यहां से? ओ घोड़े की औलाद, अबे किधर है? आ इधर, आ इधर, मैं तेरे को बताता हूं क्या करना चाहिए। इधर आ। पता नहीं कहां चला गया। डरता है रे, डरता है मजनू भाई से। ए भाई, इधर भाई। आएगा या बताऊं अभी? यही है क्या? सामने ही है क्या मेरे? अबे लाइट से डर लगता है क्या? किधर गया? कहाँ तोड़ता हुआ निकल गया यार बंदा? ओले, मैं तो जहाँ उजाला कर रहा हूँ तो वहाँ मैं अंधेरा क्यों कर देता हूँ? बैटरी उठा भाई, बैटरी। अबे मैं शिट, ओ माई गॉड, तो ये एक्सपेरिमेंट है मेरा। एंड आई एम ट्राइंग टू, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई डोंट नो। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि क्या ये मुझे देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। अभी वो यहाँ है या यहाँ से चला गया? वो यहीं पर है। क्या वो गेट खोल के मुझ पे हमला करेगा या अटैक करेगा? लेट्स सी। मैं सुसु करने के लिए, और ये हो गया पॉटी करने के लिए। काका, ये हो गया पॉटी करने के लिए, और ये हो गया सुसु करने के लिए, और ये हो गया पॉटी पॉटी करने के लिए। हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ वॉशरूम में छुप जाएं तो हम बच सकते हैं, क्या कहते हो? मैं तो वापस वहीं आ गया हूँ वैसे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहीं हूँ, ठीक है, और किसी को बताना मत कोई। यहीं है वो, गया गया क्या? ए टर्राने का नहीं मेरे सामने, समझा? टर्राने का नहीं, देखा, चला गया। तो हम वॉशरूम में छुपकर अपने आप को बचा सकते हैं। वो गेट खोल के अंदर नहीं आ सकता, ये मैंने कमजोरी उसकी निकाल ली है। अरे बैटरी सेव करनी पड़ेगी, रुक जाओ, अभी बंद कर देता हूँ लाइट, बीच में जलाता रहूँगा। हाँ, यहाँ जाना था ना हमें। हमने उसे बनाया उल्लू और वो बन गया।
ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी मेज, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है ठीक है, हम वापस यहाँ पर आ गए, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ओके अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आवाज क्यों हुई, हो जा बंद, हो जा हो जा, ठीक है मामला निपट चुका है। आई थिंक आई कैन हियर हिम, बस करना कुछ नहीं है, ऐसे खोलना है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है राइट एंड लेफ्ट, राइट राइट एंड लेफ्ट, बस राइट एंड लेफ्ट। पता नहीं जाना किधर है ना, राइट लेफ्ट, ओके राइट, राइट राइट लेफ्ट, ओके वही था। ओ भाई, अरे यार कम से कम किसी मैप मूप में तो दिखा दो भाई, ग्लो स्टिक का करूँगा क्या मैं, देखो ग्लो स्टिक का अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं आया है। ओके इट्स वो मेरे लेफ्ट में ही घूम रहा है, वापस आ गया, मेरे लेफ्ट में क्यों घूम रहा है वो, ये ज्यादा पानी भरने का मतलब क्या हुआ। बडी बडी मुझे लगता है वो सामने ही है, एक काम करता हूँ, एक बार पता चल जाए ना वो सामने है कि नहीं है, या फिर वो सामने वाली रास्ते से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक क्लियर नहीं हो रहा मुझे बस, और सामने से मैं नाउ आई थिंक अब तो आ जाना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट करना है बस, घोड़े माय गॉड वो बिल्कुल मेरे राइट में था, भाग 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 भाग, यही था वो, मैं उसके पीछे से आ गया, उसके पीछे से आ गया, मुझे चुप रहना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है कसम से बता रहा हूं, नहीं तो फट के चार हो गई मेरी तो, वैसे अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम है कहां। ओके इट्स गॉन, अरे मैं कहां जाऊं,
इज दिस द राइट वे? व्हाट व्हाट द हेल, कहां से आवाज, क्या ड्रामा है ये? व्हाट द फक, मैं यहां आया क्यों? एक सेकेंड, मैं यहां पर आया क्यों? मुझे नहीं समझ आ रहा है। और यहां पर लाइट क्यों चला रखी थी? मैं लाइट को देखकर यहां पर आया हूं। वेट, व्हाट द हेल, अबे तुझे नहीं आना था, ये कैसे आ गया? Oh my God, okay, ठीक है। Okay, got it. There's a way to raise the water level. Oh my God, now I know. I need to increase the water level here. Okay. I need to remember this room. Okay. Oh, right. लाइट वाले के सामने, और फिर यहाँ से ये वाला रूम मुझे याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर साफ पता चल रहा है ये प्लैंक यहाँ पर लेटा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है, और यहाँ से मैं आऊँगा तो मुझे सिर्फ पानी का लेवल बढ़ा कर आना है, जो कि मैं ऑलरेडी दो बार कर चुका हूँ। ओके, आई जस्ट नीड टू डू दैट। वो रेड वाले के सामने एग्जिट, ठीक है, एक एग्जिट वहाँ को जा रहा है, एंड ये वाला जो एग्जिट है, बस मुझे इसका ध्यान रखना होगा। अभी हम बैटरी को बंद कर देते हैं, एंड आई नीड टू Understand where that guy is. कहाँ है भाई? एक बार उसकी मूवमेंट पता चल जाए। अच्छा, वो तो अभी पीछे ही होगा, इधर आ रहा है, आ रहा है। कुछ नहीं बोलना। ठीक है, अभी सामने है, राइट में गया। लेट्स गो। राइट साइड में चला गया वो, एंड आई थिंक ये रहा। ठीक है, बहुत इजी है। भाई साहब, मुझे तो ये पता ही नहीं था वो पीछे नहीं देख सकता। ठीक है, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे, और जितनी मशीनरीज इनको यूज़ करेंगे हम, जो यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है, टू डिस्ट्रैक्ट हिम एट मैक्स एज पॉसिबल। अब एक रास्ता में अपनाना होगा, जो कि माय गॉड, मैं पहुंच गया। ओ माय गॉड, दैट वाज एपिक भाई। चार बार ट्राई करने के बाद मैं यहां पर फाइनली पहुंच ही गया हूं। तो आई थिंक 1 2 3 4, तो चार लेवल हमने कंप्लीट कर लिए हैं कि यार
मतलब सच बता रहा हूँ, दिस इज अमेजिंग गेम। और वापस हम आ गए हैं क्लासरूम की तरफ। तो क्लासरूम्स में मुझे लगता है कि अब सारी एंटिटीज एक साथ हमारे सामने आ जाएंगी। लेट्स रन ऑन द लाइट्स। ओके ओके, मैं क्या, मैं ये ऊपर से नीचे आ गया हूँ, नीचे से ऊपर आ गया हूँ, पता नहीं। बट मुझे उतना डर नहीं लग रहा है, लग तो रहे बट उतना नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो तो डिपेंड करता है कि गेम मुझे आगे से किस तरीके से डराने वाली है। चुपचाप चलो, चुपचाप, ज्यादा आवाज नहीं करनी। ओके, सारी लाइटों को ऑन कर देते हैं। यहाँ दीवार है और सामने एग्जिट लिखा हुआ है, और एग्जिट तेरी तो, व्हाई द फक यू आर हियर। पानी की छपछप क्यों आ रही है यार, ये पानी की छपछप क्यों आ रही थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नो 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 नो, उधर से किसी की और की आवाज आ रही है यहां। ओ माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ओके ओके ओके, आई एम सेव्ड, आई एम सेव्ड, आई एम सेव्ड। ओके ओके ओके, देयर इज लाइट, देयर इज लाइट, देयर इज लाइट। बट करना क्या लाइट, यहां पर बता देना किसी टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है। ए रुकना रे, ए एक खट 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 खट, चुपचाप बेटा उधर ही रहो। ये पानी की बस क्यों आ रही है, फाउंड कोडेक्स। अब मैं देख कोडेक्स पढ़ रहा हूं, बक बक बदतमीजी मत करना, ठीक है ना। ये आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, आ जाओ यार। काफ़ी हद तक हम ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि हम गेम को ख़त्म करने वाले हैं। आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, इट्स प्रोबेबली बीन एट लीस्ट अ मंथ और मे बी अ ईयर, आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक इट मैटर्स एनी मोर। आई फाउंड वन ऑफ द फोल्डर्स दैट इज स्पेसिफाइड, आई नीड आइटम 608। दे टोल्ड अस ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर क्लासिफाइड एंड दैट वी आर नॉट परमिटेड टू रीड देम, बट आई डोंट गिव अ फक। दे सेंट अस ऑल हियर टू डाई इन ऑन अ सुसाइड मिशन एंड आई एम हैप्पी। I read the documents. Item 608 is the reason they told me to avoid the fucking darkness. 608. This thing is something out of my nightmares. It travels through the vents and it will tear you to shreds if the light go off. When the lights go on, the thing dissipates. I don't know. The documents isn't exactly clear. I haven't seen one of these things yet. Here's to hoping it stays that way. So item 608 kaun sa hai bhai? Item 608 kaun sa hai? ये 686 है, 608। ओके, नाउ दिस गाय, फुटेज ऑफ A004, आइटम नंबर 608। तो ये जो 608 है, इसके बारे में बोला भाई कि थोड़ी सी लाइट वाइट पड़ेगी तो ये बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बदतमीजी मत कर लड़की, ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं भागते। आई एम नॉट योर डैडी, ओके, हम तुम्हारे पापा वापा नहीं बच्चे। ए हंसो मत यार, तुम बदमाशी कर रही हो, देख लो। अच्छा बच्चा नहीं करता ऐसे सब। तेरे को लाइट भी आ गई अब, हैं? टिश्यू से मुंह पोछ लो, सुसु पॉटी कुछ भी पूछने, ये लो टिश्यू, लो टिश्यू, ठीक है, टिश्यू निकाल के रख दे रहे हम यहाँ पे। आना मत इधर, सुनो, यहाँ मीटिंग वीटिंग चलने की तैयारी हो रही। भाई कहाँ फंस गया यार मैं, से नजर नहीं हटानी, और मेरे जूतों में से पानी की आवाज की मारे। बाबू बच्चे मान जाओ, मान जा, मैं पीछे नहीं देख सकता यार, मैं बाहर आ गया हूं कि नहीं आ गया हूं समझ नहीं आ रहा है। बदतमीज, अरे यार ये लड़की क्या कर रही है, रुक जा ना थोड़ी देर बाबू, रुक जा बाबू, अभी गोदी नहीं, अभी गोदी नहीं, अभी गोदी नहीं, बाद में गोदी लेंगे, बाद में गोदी लेंगे, बाद में खेलेंगे, ठीक। नहीं मत करो ऐसे ना बदतमीज, बता रहा है तुम छोटे बच्चे अच्छे नहीं, ऐसे नहीं करते। अरे यार मेरी लाइट भी चली गई, गिगिल गिगिल करी जा रही है ये,
बैटरी तो मिली कम से कम एक। चलो ओ मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मतलब अब यहाँ मैं क्यों हूँ? आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर बट मत कर, रुक जा मैं यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आया हूँ ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो, अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा ही बेब, रुक जा। हाँ हिलना मत, मैं छप छप क्यों कर रहा हूँ मुझे अभी भी नहीं पता। देख कैसे खुश होके भगती है मेरे पीछे, मैं चाचा नहीं हूँ रे तेरा। हाँ लॉक कर दिया, चलो ठीक है। टेम्परेरीली शी इज आउट ऑफ सर्विस नाउ। हंसने लगी, हंस तू, हंस बेटा हंस, तेरे लिए ये दिन बहुत खुश भरा होगा पता नहीं क्यों, बट मेरे लिए नहीं है। फॉर मी इट्स ऑल अ नाइटमेयर। तो दोस्तों अभी तक ये गेम अगर आपको मज़ा आ रहा है देखने में तो यार प्लीज़ देखो, लाइक कर दो, क्योंकि मेरी बहुत बार फटके, मेरी जेन्युइन चीखें निकली हैं यहाँ पे, ठीक है। ओ बाबू रोने लगे, बाबू रोने लग गया, बाबू को मैंने अकेले छोड़ दिया, ठीक है। और कोडेक्स पढ़ते हैं, क्या हमें और भी चीज़ें मिली हैं आइटम 686? वेल आई एम फाइनली इन हेल नाउ, आई न्यू दिस वॉज कमिंग फॉर अ वाइल नाउ, आफ्टर द इंसिडेंट वी न्यू दे वर गोइंग सेंड अस इन नेक्स्ट। They gave us all the documents and have instructions on what to retrieve from here, but we don't even have time to read them or prepare before we were rushed in. I have no food or water. The only thing they gave me for protection is a flashlight and a compass. The one thing they did tell us was what documents to grab if I want to get out of here alive. I'm going to need to remember this. Lambda 407 Alpha 903 टाउ 023, ठीक है। तो ये बता रहा है क्या, आई एम गोइंग टू नीड टू रिमेम्बर दीज एलेफा लेमड़ा टाउ, ठीक है। अभी तक के इसका मतलब ये कि मैं काफ़ी हद तक ओके, मैं डर गया था सडनली। बाबू नहीं, बाबू वहीं रहो यार, इधर अभी भी दीवार है और यहाँ कोई एग्जिट नहीं है डूड। अरे मेरी बैटरी भी ख़त्म हो रही है, फकिंग यहाँ कोई एग्जिट नहीं है। वो बाबू फिर बाहर आने वाली है, मुझे पता है वो डेफिनेटली बाहर आने वाली है। क्या मैंने ये एरिया नहीं एक्सप्लोर किया था राइट? पहले लाइट जला देता हूँ, एक सेकेंड, कुछ तो हुआ था पता नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सब देखने का ही, कुछ हुआ कि नहीं। प्लीज़ यार यहाँ पर लाइट कहाँ है, ये रही। प्लीज़ यहाँ पर एक और चाबी छोड़ दो। नहीं मुझे लगता है कि मेन चाबी वही होगी मेरी, अल्फा लैम्डा 0407 अल्फा 903 टाउ 023। भैंस जस्ट रन लाइक हेल, भाग 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 भाग। ओके कुछ नहीं बोलना। ओके एक ही बैटरी बची मेरे पास। ओ फक, मेरे पास एक ही बैटरी बची है and that was just run. Okay, keep running. मत कर ऐसे मत कर। I'm almost here। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। ओके व्हाट द फक, ओ शिट, इट्स जस्ट अ रूम, ओ माय गॉड दैट वाज एपिक। ओके
मेरे पास एक भी बैटरी नहीं है, मारो बैटरीज। मार! शिट! बड़ा अजीब बंदा यार। ओके परफेक्ट। ठीक है एक और बैटरी ढूंढ लेता हूँ। ये रही, मिल गई। अब नहीं कुछ मिलेगा यहाँ पे, और मुझे लगता है कि वो लैम्डा वैम्डा के बाद से ना कोई नोट भी नहीं मिलेगा। अभी मेरे जूतों से पानी की छपछप आ रही है, पता नहीं क्यों, शायद मेरे जूतों में पानी भरा होगा। नो एस्केप, गेट आउट ऑफ माय हेड, ये तो हम सब देख चुके हैं। अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरी आवाज सुन लेता है। नहीं 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 नहीं, He comes by shutting down the lights. ओ मैं बच गया। अबे नहीं बचा यार, वो सामने ही आ जाता है। अच्छा बच गया बच गया बच गया बच गया, रुको 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 रुको, चल 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 मेरे भाई, चल चल चल। ओके यू आर सेफ, यू आर सेफ, यू आर सेफ। ओ सामने लाइट आ रही, लाइट आ रही, लाइट आ रही, लाइट आ रही है। घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। मे बी आई एम सेफ, आई डोंट नो। ओके आई हैव सम बैटरी। बंद करो लाइट को, बंद करो। ठीक है, I'm saved. अब यहां से जाना कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता। सामने लाइट जल रही है, राइट, वहां पर चलते हैं। बाबू आ गई, बाबू आ गई, बाबू आ गई। बाबू बहुत तंग करती है यार ये छोटी सी बच्ची। वो यहीं है, वो लाइट नहीं जलाने दे रहा। फिर से लाइट बंद कर दी, नहीं करी। ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स अ गुड साइन। पता नहीं यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे जाना कहाँ है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मे बी दिस वे और मे बी दैट वे, और मुझे तो बैटरी भी नहीं मिली यार आगे। प्लीज़ यार कुछ तो ऐसा मिल जाए यहाँ पे, प्लीज 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 दिस टाइम। ओके फोन, बैटरी, बैटरी मिली, और वो भी मिला एक ग्लू, ये क्या नाम है, ग्लो स्टिक। ये ग्लो स्टिक मैं करूँगा क्या? ओके सबसे पहले लाइट जलानी चाहिए थी। ठीक है, नॉट बैड, द किड इज कमिंग। ओबे तू कैसे इतनी जल्दी कैसे आ गई, बदतमीज। अबे नहीं यार, अबे नहीं यार, अबे नहीं यार, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं 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 नहीं, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा और ये कह रहा कि पावर कट ऑफ करने के लिए, पावर कट ऑफ करने के लिए अलग से जाना पड़ेगा। बाबू रो नहीं, मैं आता हूँ। हाँ अभी अभी आ रहे, चाचू आ रहे, चाचू आ रहे। बाबू लाइट बंद करके आ रहे हैं, बदतमीज बच्चे। बेटा हाँ यहाँ खड़ी हो जा, हाँ इधर। अगर ना चाचू गेट खोलेंगे और हिलना मत इधर से यार, ये बच्ची। हाँ ठीक है, यहीं खड़ी रहे, यहीं खड़ी रहे, यहीं खड़ी रहे, यहीं खड़ी रहे। यहाँ पर कुछ है नहीं, लाइट है। ओके विच गेट, बस 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 बस। ओके ओके
ओके विच वन ये रहा पावर कट ऑफ मिल गया। ओ माय गॉड आई होप दिस इज द एंड. सो कट द पावर बट दैट मींस ऑल द लाइट्स आर गोना बी ऑफ. वो तो ठीक है. ओ माय गॉड नो. इसका मतलब है सारी की सारी लाइट्स बंद रहेंगी. तो इसका मतलब मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे ग्लो स्टिक रख के आना चाहिए था. मैं यहां से आया था, आई रिमेम्बर. ये रहा बच्चा शैतान बच्चे. रुक जा. देखा इनिविट. ओ माय गॉड बहुत सही यार. बहुत टाइम बाद मैंने इतनी सही एंजॉयबल गेम खेली और बहुत ही मजा आया. मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है और मैं सच में इसमें डरा हूँ. इसमें पजल सॉल्व करने में भी अच्छा खासा मजा आया है भाई. पूरा 9 out of 10 मतलब मजा आ गया द क्लासरूम्स खेलकर. और आई थिंक मैंने कुछ शॉर्ट्स में देखा था कि एक सांप जैसी लेडी आती है. खैर वो तो मेरे साथ नहीं हुआ. मेरे साथ वो था, वो जानवर था, वो बड़े बड़े पैर वाला. तो दैट वॉज ऑल्सो गुड. बट सबसे ज़्यादा डरावना लगा ये बच्ची का सीन. ओहो इसकी प्यारी सी हंसी और खतरनाक सी चाल. ठीक है यार, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव. चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करिए. मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, पता है ना आपको. ऐसे ना बताते नहीं है, ठीक है. मेहनत कर रहा हूँ मैं और आपको बस क्या करना है, आपको बस लाइक करना है. जय महाकाल की दया से लाइक ठोकते चले जाइए. ठीक है, मिलते हैं यार अगली ही अमेजिंग वीडियो के साथ. दिस इज योर बॉडी शेड्स ऑफ गेम्स सॉगी साइनिंग ऑफ. बाय बाय.